नमस्कार दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की समस्या हमारे सोसाइटी में काफ़ी बढ़ रही है। कई सारे युवक और युवतियां अपने कम उम्र में, जबकि 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के साथ हमारे अस्पताल में आ रहे हैं। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण है और क्या कर सकते हैं हम ताकि इस हार्ट अटैक के खतरों को हम पहले पहचान लें और उनका हार्ट अटैक होने से पहले रोकथाम कर लें। मैं डॉक्टर आशीष सिंगल, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल, इस बारे में आपसे आज चर्चा करूंगा। हम जानते हैं हार्ट अटैक होने के कई कारण होते हैं, पर कम उम्र में हार्ट अटैक होना बहुत ही असाधारण बात है। यदि आपको किसी भी प्रकार की छाती में दर्द का होना, सांस लेने में तकलीफ होना, पसीना आना, अमूमन घबराहट होना, ऐसे यदि आपको ज़रा से भी लक्षण हों तो तुरंत ही आप जाके अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। एक रिकमेंडेशन के अनुसार हर 30 साल से ऊपर के व्यक्ति को हर 5 साल में अपना दिल का चेकअप कराना चाहिए। इसमें ECG, इको और ट्रेडमिल टेस्ट शामिल है। साथ ही साथ आप अपने शुगर और कोलेस्ट्रॉल की भी जांच कराएं। यदि आप 50 से ऊपर उम्र के हैं तो हर साल आपको अपने दिल का चेकअप कराना है, जिसमें इकोकार्डियोग्राम, ट्रेडमिल टेस्ट और शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जाँचें सम्मिलित है। पहले से ही आपके परिवार में हार्ट अटैक हुआ है कम उम्र में, तो आप ज़्यादा रिस्क पे कैटेगरी में आते हैं कि आपको हार्ट अटैक कम उम्र में हो। तो ऐसे में हमें क्या करना है ताकि हम हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकें? वो है, एक, हमारे शुगर और BP को नियंत्रण में रखना। हमारा ब्लड प्रेशर 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए। शुगर लेवल खाने के बाद 200 के नीचे और खाली पेट 125 के नीचे होना चाहिए। तीसरी चीज़, हमारे को अपना वज़न कंट्रोल में करके रखना है ताकि हमारा बॉडी मास इंडेक्स 26 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के दायरे में रहे। इसके बाद हमें अपने डाइट में पौष्टिक आहार, जिसमें विटामिंस, मिनरल्स, फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल्स का एक बैलेंस्ड पोर्शंस लेने होंगे। एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें स्ट्रेस को कंट्रोल में करना है। मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हार्ट अटैक होने में। आप योगा और मेडिटेशन को ज़रूर अपनाएं ताकि आपके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को कम कर सकें। हमें एक डेली एक्सरसाइज रेजीम भी फॉलो करना चाहिए। कम से कम हर रोज़ 30 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हफ्ते के 5 दिन रिकमेंडेड है। इसको आप कैसे नापेंगे कि आपने किया? आप रोज़ाना कम से कम 10,000 कदम चलें, वो भी मॉडरेट मीडियम स्पीड से, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे हम बोलते हैं, ताकि आपके मेहनत का पसीना आपको आए और आपका दिल स्वस्थ रहे। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो गुटखा चबाना हो या और कोई तरीका जिससे हम धूम्रपान तंबाकू का ले रहे हों, उसको वो बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। शराब का सेवन भी संतुलित होना चाहिए। करीबन 30 ml महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 60 ml का सेवन अपर लिमिट है। इसके ऊपर आप सेवन करेंगे तो वो हार्ट और बाकी ऑर्गन्स की बीमारी को बढ़ावा देगा। यही कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं और हार्ट अटैक की संभावना को कम से कम कर सकते हैं। धन्यवाद।